हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस बार के स्टूडेंट 10th और 12th के 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीएसई ने उनको रिमाइंड करवाया है कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैंडेटरी है और सीबीएसई बाकायदा जो है आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट करेगा जनवरी 1 से 2024 में, जो जनवरी आने वाला है। यानी कि अगर मैं बोलूँ अब सितंबर चल रहा है, सो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी 1 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी कि आप कितनी बार स्कूल आए हैं। और अगर आपकी 75% से कम अटेंडेंस है तो हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड ना दिया जाए और हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम भी ना देने दिया जाए। तो ये बिल्कुल है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी 75% से अटेंडेंस कम है तो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने पड़ेंगे। जनवरी 7 से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में और मार्च में जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 15th ऑफ फरवरी से सीबीएसई ने बोला है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए एक SOP जो है सीबीएसई ने एस्टैब्लिश करी, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है, जिसमें 75% मिनिमम अटेंडेंस जो है सीबीएसई ने बिल्कुल मैंडेटरी कर दी है। ठीक है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई यहाँ पे कुछ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया 75% अटेंडेंस तो मैंडेटरी है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि 75% अटेंडेंस जिनकी नहीं हो पाई है या फिर बहुत ही कम स्कूल जा पाए हैं, तो उन बच्चों को 25% रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और अगर आपकी कम है तो आपको जो है बताना पड़ेगा सीबीएसई को कि आप स्कूल क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके या तो इमरजेंसी केस हो गया, जो भी स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉपर बीमारी हो गई या फिर उनकी फैमिली में कोई इशू हो गया, कोई भी इमरजेंसी है, तो एज पर रूल्स ऑफ 13 और 14 एग्जामिनेशन बाय लॉस के अकॉर्डिंग आपको 25% का रिलैक्सेशन अटेंडेंस में दिया जा सकता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको स्कूल से, अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में बात करनी पड़ेगी, अपने प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड सारे भी डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने स्कूल में सबमिट करवाने पड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से करवाने पड़ेंगे। उसमें अच्छा सा कारण होना चाहिए, आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, पेरेंटल रिक्वेस्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, सब चीज़ें पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने स्कूल में सबमिट करवानी पड़ेगी, ताकि आपका स्कूल जो है ये सारे के सारे डिटेल्स आपकी सीबीएसई के तक, रीजनल ऑफिस तक भेजे। बिकॉज सीबीएसई की साइट पर जो है आपके स्कूलों को पूरी अटेंडेंस जो है डालनी पड़ेगी, और अगर किसी की भी परसेंटेज 75% से कम बैठती है तो उससे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपके स्कूलों को सीबीएसई को इशू करवाने पड़ेंगे। और सीबीएसई फिर ये तय करेगी कि आपके जो ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या सर्टिफिकेट है कितने वैलिड हैं, और अगर उसको लगता है कि आपके ये वैलिड है, एक्सेप्ट करने लायक है, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो सीबीएसई उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी आप ये सबसे पहले चेक करिए कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% है या नहीं जनवरी 1 तक, और अगर आपकी नहीं है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, ताकि आपके स्कूल जो है रीजनल ऑफिस तक उन सब डॉक्यूमेंट को भेज पाए बिफोर 7th जनवरी। 7th जनवरी बिल्कुल लास्ट डेट है, 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में ये बात हो रही है। और उसके बाद अगर कोई भी केस जो है, इसमें साफ साफ बोला है सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर 7 जनवरी के बाद उसको कोई भी ऐसा इशू मिला तो, और उस केस में डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट भी कर सकती है सीबीएसई, कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए आपकी अटेंडेंस जो है कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि अकेडमिक सेशन जो है आपका 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 अप्रैल 2003 से 1 जनवरी 2024 तक आपकी अटेंडेंस जो है कैलकुलेट होगी, और जो कि सारी अटेंडेंस, सारा का सारा रिकॉर्ड सीबीएसई की साइट पर आपके स्कूलों को अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें 75% मिनिमम अटेंडेंस है। और अगर ये अटेंडेंस आपकी कम बैठती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे बिफोर 7th जनवरी। ठीक है, और उसको फिर सब कुछ रीचेक होगा, वैलिडेशन होगा सीबीएसई की तरफ से, और अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो हो सकता है सीबीएसई रिजेक्ट भी कर दे। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरीके की और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।